यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरदोई में लगातार चार दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस मानसून में पहली बार इतनी बारिश हुई है कि लोग त्राही त्राही करने लगे हैं। हर तरफ जलभराव और तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। जिले के विकास खंड बावन के जगदीशपुर में भी चार दिन से बारिश तो हो रही है। शुरुआत में तो पानी नालियों और सड़क तक ही सीमित रहा, लेकिन रविवार रात से हुई मूसलाधार बारिश से पूरा क्षेत्र पानी पानी हो गया है। यहाँ के लोनार थाना क्षेत्र में 50 फीट सड़क पानी में बहकर ध्वस्त हो गया और रात के अंधेरे में दो युवक बाइक से कटी सड़क के पानी में बह गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं इतनी भयंकर त्रासदी होने के बावजूद अभी तक जिम्मेदार लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किया है। इन हालात से ऐसा लगता है कि क्षेत्र में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से जल्द ही बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। तबाही का मंजर हरदोई में दिखाई दे रहा है। भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे आलम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। गांव, घर, मकान, बाजार सब जलमग्न होते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसी बीच एक युवक की मौत की भी खबर है। पानी की वजह से सड़क में गड्ढा बन गया। बाइक से दो युवक जा रहे थे और इसी दरमियान ये युवक गड्ढे में जा गिरे। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो हरदोई में जबरदस्त बारिश के बाद बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं लोग। बाढ़ जैसे आलम यहाँ पर हो गए हैं और ये तस्वीर और भी ज्यादा भयानक हो सकती है।